संकोच मत करिए। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ब्रह्मा पहले श्रोता है, पर भगवान शिव ने भी एक कथा कही है, आदि है ये तो, प्रलिपिबद्ध यहां हुई है, यही महर्षि वेदव्यास ने वो गुफा देखने जाना, आप कुछ ही दूरी पर है, मां सरस्वती के किनारे, उसके महात्मा का पहला श्लोक महाराज की उपस्थिति में श्रवण करते हैं। गुरु परंपरा को वंदन करते हुए ऐसा कहा गया कि जो कार्य के आरंभ में गुरुजनों का स्मरण कर लेते हैं कार्य सिद्ध होता है, फिर उसमें बाधा नहीं आती। कार्य की सिद्धि के लिए, संकल्प की सिद्धि के लिए सामर्थ्यवान महापुरुषों का स्मरण करो, वीतराग महापुरुषों का, संयोग से धारा भी वैसी है, वीतराग महापुरुषों की धारा है, ये नारद क्षेत्र है, वो स्वयं वीतराग हैं। अहो नारद धन्य उसी विरक्ता नाम शिरोमणि, अग्रणी योग भास्कर, जितने योग हो सकते हैं उनके भास्कर हैं वो, सूर्य हैं हमारी परंपरा के, वो आचार्य हैं। अहो नारद धन्य उसी विरक्ता नाम शिरोमणि, विरक्त पुरुष हैं, वीतराग महापुरुष हैं। ऐसा कहा गया कि कार्य की सिद्धि के लिए उनका स्मरण करो, गुरु परंपरा का, आचार्य परंपरा का। नारायण समारंभ जहां से आरंभ हुआ है, समारंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ है, नारायण आरंभ के भी आरंभ में है, प्रारंभ के भी प्रारंभ में है, पूर्व के भी पूर्व में है, पहले से पहले हैं, सबसे पहले हैं। तो नारायण, नारायण माने पहले से पहले, उससे पहले कुछ नहीं है, पहले से पहले, पूर्व के भी पूर्व में जो है, पूर्व के भी पूर्व में जिसकी अपूर्वता है वो नारायण है। तो गुरुजनों का स्मरण कर लेते हैं, वीतराग विषम व चित्तम, वीतराग महापुरुषों का ध्यान किया जाए तो चित्त में एकाग्रता आती है, वो इस योग्य बनता है। इसलिए ऐसा कहा गया कि गुरुजनों का, आचार्यों का, माता पिता का स्मरण करना चाहिए, वो पहले देव हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इसलिए कथा के आरंभ में उनका स्मरण करते हैं, परंतु देव नमाम, परंतु मनसाध्या, परंतु विश्वाभूतानि जात वेद पुनी हमाम, पवित्रता शक्ति सामर्थ्य के लिए हमारा अंतःकरण इस योग्य बने। हमारा अंतःकरण आध्यात्मिक बने, और जैसे हमारा अंतःकरण आध्यात्मिक बनता है तब फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। इसलिए उनका स्मरण करें, गुरुजनों का। हमारी तो सन्यासियों की परंपरा ही यहीं से है, भोर में अभिषेक काल में जब गए हम तो मां लक्ष्मी जी बाहर हैं, नारायण गर्भगृह में। कोई कल्पना कर सकता है कि वो स्वयं सन्यासी हैं, भगवान यहां सन्यासी हैं, यहां भगवान तप कर रहे हैं, यति रूप में है, यहां सन्यासी रूप में है, जो सब त्याग देता है, जिसकी कोई स्पृहा नहीं, आकांक्षाएं नहीं, लालसाएं नहीं, कामनाएं नहीं जिसमें कोई, ऐसे हैं भगवान नारायण यहां। वहीं से तो हमारी परंपरा है, सन्यास में यही तो ली जाती है शपथ, ओ भू, ओम भू सन्यस्तम मया, भुव सन्यस्तम मया, स्व सन्यस्तम मया, सर्वम सन्यस्तम मया, न्यस्तम मया, न्यास मेरी कामनाओं का न्यास। तो बड़ा आनंद है कि परंपरा का स्मरण हम कर रहे हैं, गुरु परंपरा का स्मरण कर रहे हैं, और हमारे गुरु यही हैं, भगवान नारायण हमारे आद्य गुरु हैं,
हमारी परंपरा के गुरु भगवान नारायण है, वो सन्यासी हैं, और नारद भी स्वयं सनकादिक यहां विराजमान है।